नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेखा जमरे और सिविल सर्जन जिला अस्पताल बड़वानी डॉक्टर अनिता सिंगारे के मार्गदर्शन में लायंस क्लब बड़वानी सिटी और चोइथराम नेत्र चिकित्सालय इंदौर के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय जिला अस्पताल में आयोजित निःशुल्क नेत्र शिविर में धार, खरगोन जिले के अलावा धवली, चाचरिया, निसरपुर और बड़वानी के आसपास के क्षेत्र से नेत्र मरीज अपनी आंखों का परीक्षण कराने के लिए आए। 21 मरीजों का होगा मोतियाबिंद ऑपरेशन। 110 नेत्र रोगियों की आंखें जांची, 21 मरीजों को लेंस प्रत्यारोपित किए जाएंगे। नोडल अधिकारी डॉक्टर आशीष सेन ने कहा कि उक्त नेत्र शिविर राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया था। लाल महेश शर्मा ने बताया कि नेत्र मरीजों का परीक्षण डॉक्टर आशीष सेन और चोइथराम अस्पताल की डॉक्टर महिमा ठाकुर और जिला अस्पताल के अनिल राठौर, रविंद्र टेकाम, संजय भावसार, सिस्टर संजना चौहान ने किया। इस निःशुल्क नेत्र शिविर में कुल 110 नेत्र मरीजों ने अपनी आंखों का परीक्षण कराया। परीक्षण करने पर 21 मोतियाबिंद के मरीज पाए गए, जिन्हें ऑपरेशन हेतु इंदौर बस द्वारा भेजा गया। इन सभी मरीजों को निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपित किए जाएंगे। मोतियाबिंद के मरीजों का ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच भी तत्काल शिविर स्थल पर ही की गई। लाल सुधीर पांडे ने कहा कि शिविर में आने वाले सभी मरीजों और उनके साथियों को लायंस क्लब बड़वानी द्वारा भोजन कराया गया। साथ ही सभी मरीजों को अस्पताल की ओर से दवाएं, चश्मे, चाय, नाश्ता, भोजन आदि भी निःशुल्क दिए जाएंगे। शिविर में डॉक्टर सुरेखा जमरे, डॉक्टर अनिता सिंगारे, डॉक्टर प्रमोद गुप्ता, डॉक्टर दीपक अवस्या, लान केटी मंडलोई, लान राम जाट, लान राहुल अग्रवाल, पूर्व चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल रशीद पटेल, समाज सेवी सादिक चंद्री भी उपस्थित रहे। लायंस क्लब बड़वानी सिटी ने जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर न्यूज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।